ये जो सारी की सारी सीरीज है बेसिकली आप स्टडी आई पर शाम को छह बजे अगले पूरे एक महीने तक 21 बाईस अप्रैल से लेके 21 मई तक देख सकते हैं साथ ही साथ 25 अप्रैल से इसकी एक क्लास सुबह ग्यारह बजे भी होगी यानी कि दिन के अंदर दो क्लासेस की है, दो क्लासेस होंगी इफ़ यू फॉलो दिस शेड्यूल ऑफ 30 डेज ऑफ डूइंग ऑल दीज करंट अफेयर्स और इनके जो पीडीएफ्स आपके पास अवेलेबल हो उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें एंड विद सम समैक्टिस of the MCQs, you shall be able to hit approximately 80% to 85% of the current affairs questions that will be asked, जो कि इन subjects से related होंगे. So अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं, अगर आप इस साल UPSC prelims के लिए appear हो रहे हैं, if anybody of your friend is appearing, then please do share this video to those people so that it can be actually helpful for them. Basically हमारा idea ये है और हमारा purpose ये है कि इस साल UPSC की जो cut off है, उसको कम से कम नहीं तो चार से पांच number बढ़ा दिया जाए. why because the people who will be doing the laksh series shall actually be able to do all the current affairs that will be asked in the exam that is kind of a informal promise from study iq लेट्स स्टार्ट डूइंग द करंट अफेयर्स हमारा जो उद्देश्य है कि भाई पहले करंट अफेयर्स की जो न्यूज है उस न्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद जो उसका स्टैटिक पार्ट है उसको देखेंगे अब जैसे हमारी एक न्यूज है कि अभी अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि प्रमोशंस प्रमोशंस जैसे जॉब के लिए रिक्रूटमेंट में कोटा होता है उसी प्रकार से प्रमोशंस में भी जो कोटा होता है लेकिन प्रमोशन में जो कोटा होता है उसके जो नॉर्म्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है सो हेंस गवर्नमेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट कि कोटा प्रमोशंस के अंदर जो कोटा होता है उसके नॉर्म्स को सेट कर दीजिए Exactly गवर्नमेंट कई बार डिसकंटिन्यू नहीं करती है रिजर्वेशन इवन दो जो प्रमोशन का जो कोटा होता है वो फुलफिल हो जाता है वो सीलिंग कम्प्लीट हो जाती है हमारे देश में हंड्रेड परसेंट पॉपुलेशन के अंदर अप्रोक्सिमेटली सिक्सटीन परसेंट पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है और एट परसेंट पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है एस की है राइट उसी प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन होती है लेकिन के अकॉर्डिंग जब यह पंद्रह और सात पॉइंट पांच प्रतिशत का एस सी के लिए पंद्रह और एस टीज के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की जो सीलिंग होती है रिजर्वेशन की जब भी वो कंप्लीट भी हो जाती है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उसको बेसिकली डिसकंटिन्यू नहीं करती है सो दिस इंफॉर्मेशन वॉज एक्चुअली ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अब स्पेसिफिकली प्रिलिन से एसोसिएटेड इसमें कौन कौन से इश्यूज हैं जॉब रेजर्वेशन कोटा इन प्रमोशन से एसोसिएटेड सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 15 और 16 देखना पड़ेगा देखिए आर्टिकल नंबर 16 कहता है राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेसिकली भारत के जो भी नागरिक हैं उन सबका बराबर का अधिकार है जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो उसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेसिस लेकिन आर्टिकल नंबर सिक्सटीन का क्लॉज नंबर फोर यह कहता है कि स्टेट के पास पावर है द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ पावर फॉर मेकिंग रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस जहां पे वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो सो देर आर सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि बैकवर्ड है इकोनॉमिकली तौर के ऊपर बैकवर्ड है तो अगर उनकी रेप्रेजेंटेशन इनएडिकुएट है कुछ जॉब्स में तो गवर्नमेंट एक्चुअली में उसके लिए रिजर्वेशन बना सकती है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग टू डू मतलब कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जाएगी दैट इज अ पॉजिटिव सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन वो इक्वालिटी को बढ़ावा देती है आर्टिकल 16 का 4 ए चौदह सोलह आर्टिकल का फोर ए क्लॉज जो कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीटी फॉर एस सी एन एस टी इन सर्विस अंडर द स्टेट वेयर दे आर इन एडिकुएटली रेप्रेजेंटेड तो सोलह चार आर्टिकल सोलह और क्लॉज नंबर चार दोनों के दोनों इस बात की परमिशन देते हैं स्टेट को कि बैकवर्ड क्लास और एस सी और एस टी के लिए अगर इनएडिकुएट रिप्रेजेंटेशन हो तो उनके लिए रिजर्वेशन की जा सकती है आर्टिकल सिक्सटीन का फोर भी कहता है अलाउड फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अनफिल्ड मतलब कि अगर किसी साल रेजर्वेशन के लिए लैसे कि भाई किसी एक ऑफिस के अंदर टोटल दस सीटें थी एस सी और एस टी के मिला के लेकिन उस साल जो प्रमोशन हुए टोटल सिर्फ और सिर्फ आठ ही हुए हैं राइट तो जो वो दो सीटें होंगी वो अगले साल भर दी जाएंगी तो अगले साल बेसिकली दस और होंगी और प्लस टू वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो उसको इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रिजर्वेशन अगर प्रमोशन हुई नहीं है और कोई इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली वो किसी और को दे दिया जाएगा रादर दैट सीट विल बी कैरिड कैरीड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर अब यहां पे स्पेसिफिकली ये है कि वैकेंसीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आगे तो बढ़ाई जा सकती है बट रिजर्वेशन इन प्रमोशन शुड नॉट ब्रीच दी परसेंट सीलिंग लिमिट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये कैरी फॉरवर्ड कर करके करके पचास प्रतिशत से अधिक हो जाए अब जो ये 50 परसेंट रिजर्वेशन की जो ये जजमेंट है ये स्पेसिफिकली आई थी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का एक केस नाइनटीन हंड्रेड का जिसको इंदिरा साहनी केस केस के नाम से जाना जाता है इस केस की दो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट थी पहली जजमेंट थी कि रिजर्वेशन जो है वो 50 से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिक्रूटमेंट में भी और इवन इन दी प्रमोशन फिफ्टी परसेंट की सीलिंग है सेकंड इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए अच्छा लेकिन इस केस की दोबारा जजमेंट हुई तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो स्टेटस में वो पहली जो जजमेंट है उसको तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है कि रिजर्वेशन 50 परसेंट से नहीं होनी चाहिए लेकिन एम केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन की जा सकती है अगर कोई इनएडिकुएट रिप्रेजेंटेशन है मतलब एस सी की या बैकवर्ड क्लासेस की अब आर्टिकल थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नंबर 335 कहता है कि जो सुप्री एससी और एसटी के सर्विसेज और पोस्ट पे जो क्लेम्स हैं दे शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन वाइल आल्सो मेंटेनिंग एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन तो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्राइटेरिया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकती है उसका क्या व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच हैज बीन अभी प्रेजेंटली लीगल उसकी बैकिंग क्या है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को गवर्नमेंट को यह बात डेमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी कि करंट बैकवर्डनेस ऑफ एस सी और एस टी They would have to show कि और है ऑफ द कम्युनिटी इन दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट सेक्टर एंड द रिजर्वेशन विल मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिवसीन तीनों पॉइंट का क्राइटेरिया तीनों पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट करने होंगे गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है दो आ, किसी भी पर्टिकुलर बैकवर्ड एस या एस टी कास्ट को अब आप इस तीनों पॉइंट्स के अंडरस्टैंड कीजिए कि पहला और तीसरा पॉइंट तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है हाउ डू यू प्रूव कि कौन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी घटी है या नहीं बढ़ी है या फिर इंप्रूव नहीं हुई है या उस पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है नीदर इट इज़ वेरी ईजी टू जज कि करंट बैकवर्डनेस या बैकवर्डनेस कम हो गई है ज़्यादा हो गई है हावेवर इन एडिक्यूएट रिप्रेजेंटेशन जो है कि वो एक ऑब्जेक्टिव डेटा के बेसिस पर फाइंड आउट किया जा सकता है फॉर एग्जांपल इफ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ द पीपल एंड हम उनको एस सी एस टी बैकवर्ड और जनरल कैटेगरी से कैटेगराइज करें तो हमारे पास ये बात का डेटा होगा कि कौन रिप्रेजेंटेड है या नहीं है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन विद इन एस सी एस टी इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वेन इट कम्स टू दी जॉब रिजर्वेशन तो क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं होता है एस सी और एस टी के ऊपर राधर वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के ऊपर अप्लाई होता है बट इन प्रमोशन एस सी एस टी के अंदर भी क्रीमी लेयर अप्लाई किया जा सकता है इट डिड अवे विद दी बैकवर्डनेस क्राइटेरिया कोर्ट कैन नॉट ले डाउन क्राइटेरिया टू डिटरमाइन इन ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन तो जो ये सेकेंड वाला पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का इन एडिकुएट रिप्रेजेंटेशन शो करनी पड़ेगी स्टेट्स को कोटा देने के लिए रिजर्वेशन में इस बात को कि क्या इन एडिक्युएट रिप्रेजेंटेशन है ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी राधर दिस विल स्टेट इनडायरेक्टली इट विल डिसाइडेड बाई दवर्मेंट इसी कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली द गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली आज सुप्रीम कोर्ट की डू टेलर्स कि हम किस नॉर्म्स के बेसिस पर फिगर आउट सर्टेन नॉर्म्स जिसके बेसिस पर प्रमोशंस के अंदर कोटा दिया जा सके अब स्टेट फॉर नाउ जो लीगल स्टेटस है इट इज़ एक्चुअली ऑब्लीगेटेड टू फाइंड क्वान्टिफाइबल डेटा क्वान्टिफाइबल डेटा का मतलब कि नंबर बताइए आप हमको कि कौन सी कम्युनिटी कितनी रेप्रेजेंटेड है या कितनी नहीं है एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए इनएडिकुएट रेप्रेजेंटेशन का और जो ये डेटा है यह सिर्फ और सिर्फ कार्डर बेस्ड होना चाहिए शुड बी द यूनिट फॉर कलेक्शन ऑफ क्वान्टिफाइबल डेटा मतलब कि सिर्फ डिपार्टमेंट में नहीं है कि एक ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट चेक कर दिया रा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है और उसके अंदर प्रमोशन का कोटा डिसाइड करना है तो उस पूरे के पूरे, पूरे कार्डर के अंदर कौन कितना रेप्रेजेंटेड है परसेंट

छः से आठ फीमेल स्टूडेंट्स थे रिसेंटली जो कि गवर्नमेंट कॉलेज उडूपी में पढ़ा करते थे लेकिन जब वो क्लासरूम में घुस रहे थे तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और कॉलेजेस ने एक नए रूल्स और रेगुलेशंस के तहत उनको बेसिकली मना कर दिया दे वर नॉट गिवन परमिशन टू एंटर द कॉलेज और द क्लास रूम वाइल्ड वियरिंग हिजाब जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसके नए रूल थे उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो है यूनिफॉर्म जो प्रिस्क्राइब है उसी को पहनकर आ सकते हैं इस न्यूज के साथ एसोसिएटेड सुनते ही आपके दिमाग में दो सवाल आने चाहिए कि हिजाब एक रिलीजियोसिटी uh, का डिस्प्ले है के रिलीजन uh, को डिस्प्ले करता है तो क्या स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अपने uh, जो धर्म से संबंधित जो कपड़े हैं वो पहनना और एक राइट टू एजुकेशन भी भारतीय संविधान राइट टू एजुकेशन देता है अंडर आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ए तो ये दोनों फंडामेंटल राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन इस केस के अंदर क्लैश करते हैं देखिए मूव को जैसे ही उनको गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट uh, कॉलेजेस ने बैन किया तो ये चैलेंज हो गया फंडामेंटल राइट right के बेसिस पर क्या फंडामेंटल राइट स्टूडेंट्स का से था कि फ्रीडम आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फाइव हमें देता है फ्रीडम ऑफ कंशाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स कहता है कि हर नागरिक को अधिकार है अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का बाय स्टॉपिंग अस फ्रॉम वियरिंग हिजाब एंड बाय नॉट अलाउविंग अस इन टू द्लास हमारे दो फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया है कॉलेजेस के के द्वारा द्वारा कॉलेज वाज़ ऑफ़ द स्टूडेंट पहला ये कि हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा क्योंकि हिजाब हमारे धर्म का पार्ट है और हमें बेसिकली शिक्षा नहीं दी जा रही है uh, right ये ये uh, कर्नाटका कोर्ट के पास गया यूजुअली जब रिलीजन से एसोसिएटेड या फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन से एसोसिएटेड कोई केस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पास जाता है तो वो एक डॉक्टरिन यूज करते हैं उसकी जजमेंट को देने के लिए दैट डॉक्टरीन इज कॉल्ड एज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस कि कोई ऐसी एक्टिविटी करने से किसी को रोका जाए द पर्सन सेज कि ये मेरे धर्म की है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात पे जजमेंट देते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू द रिलीजन और नॉट एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सती सती एक सोशल प्रैक्टिस है लेकिन सती को जो प्रैक्टिस करने वाले हैं अगर वो ये बोले कि ये हमारे धर्म से संबंधित है ये धर्म से रिलेटेड है हमें इसको करने की परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है इफ सच ए केस रीचेज टू दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक यूज करेंगे कि क्या ये एक्टिविटी आपके रिलीजन के लिए एसेंशियल है इफ दिस इज एसेंशियल यू आर अलाउड टू डू इफ दिस इज नॉट एसेंशियल तो बेसिकली स्टेट उसको रेगुलेट कर सकती है यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि स्टेट uh, सती जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस है सॉरी uh, सती जो है वो सोशल प्रैक्टिस है बट सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट इज एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस ऑल्सो तो इसी प्रकार से हिजाब जो कि बेसिकली अटायर होता है कपड़े होते हैं पहनने के तो उसको भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर इस्लाम uh, में या जो जिन भी स्टूडेंट्स uh, को बेसिकली रोका गया था उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया कि ये एक हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है अब ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो डॉक्ट्रीन है ये शिरूर मठ केस हुआ करता था एक uh, उसके अंदर uh, जो कोर्ट है उन्होंने ये जजमेंट दी थी उन्होंने कहा कि प्रैक्टिसज विच आर प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिसज विच स्टेट कैन रेगुलेट

प्रोटेक्ट करते हैं जो कि एसेंशियल होती है रिलीजियस के लिए एसेंशियल टू द रिलीजन क्योंकि अगर उनको हटा दिया जाए तो बेसिकली रिलीजन ही खत्म हो जाएगा जैसे कि अगर इस्लाम धर्म में माना जाए तो मस्जिद में प्रार्थना करना या फिर हिंदू धर्म में माना जाए तो मंदिर में जाके प्रार्थना करना ये काइंड ऑफ एसेंशियल रिलीजियस है अगर कोई इस चीज से रोकता है तो प्रोबेबली कोर्ट विल से कि ये तो एसेंशियल है ये तो रिलीजन का धर्म का पार्ट है एंड दीज एक्टिविटीज आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन ऑन एसेंशियल और नॉट एसेंशियल इज बेसिकली टेकन बाई दर्ट इट सेल्फ और कोर्ट डॉक्टर को उनकी जो होली बुक्स होती है अगर इस्लाम में है कुरान हो गया गीता हो गया वेद हो गया और अदर जो होली बुक्स होती है बुद्धिज्म में त्रिपिटक हो गई जैन में अगम हो गई इन सारी किताबों को यूज करेंगे डॉक्टरिन को एंड देन द कोर्ट गिव अर्टिकुलर जजमेंट कि वेदर दिस वॉज वेदर दिस वॉज स्पेसिफिकली एन एसेंशियल रिलीजन और नॉट अब स्पेसिफिकली वेन इट कम्स टू दिस उदूपी हिजाब केसरो हिजाब रो तो इसमें आ, हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि वियरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम तो अगर इसको रोक दिया गया है कॉलेजेस के द्वारा तो दे आर विद इन टू राइट इट एंड स्टूडेंट्स विल हैव टू अडियर टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के बेसिकली कॉलेज जाए करेंगे तो उनकी जजमेंट थी कि हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ द एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम अच्छा एक न्यूज है सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस ओवर नॉन फाइलिंग ऑफ द काउंटर एफिडेविट बाई देंटर एक एक पटिशन एक द, एक अर्जी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जिस भी भारतीय स्टेट के अंदर भारतीय राज्य के अंदर हिंदुजम हिंदू धर्म के जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए तो ये अर्जी हुई पेटिशन दायर हुआ तो इसके लिए जवाब मांगा गया सेंटर से, गवर्नमेंट का इसके क्या विचार है? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली उस पे फाइल नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस बात पर दर्शाया। अब हम इस को समझते और इससे दो में जजमेंट आई थी इसमें बेसिकली इस बात की क्लेरिफिकेशन आई कि माइनॉरिटी दो प्रकार की होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो हो गई रिलीजियस और दूसरी हो गई लिंग्विस्टिक यानी या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अब भारत के अंदर दो प्रकार की माइनॉरिटी है रिलीजियस माइनॉरिटी और भाषा की माइनॉरिटी यानी कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है स्टेट वाइज कंसिडरेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी डन फॉर दर्पज ऑफ द आर्टिकल थर्टी ठीक है लेकिन इंडिया में आप इंटरेस्टिंग इन दोनों में इन दोनों माइनॉरिटी में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो स्टेट वाइज डिफाइन होती है और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो नेशनल पैन इंडिया लेवल के ऊपर डिफाइन की जाती है मतलब कि हर स्टेट के अंदर अलग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई तो अगर आप बांग वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो उसके अंदर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो माइनॉरिटी माने जाएंगे लेकिन वही हरियाणा में लोग आ जाएंगे तो जो बांग्ला भाषी हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं इसी बट परंतु लेकिन जो रिलीजन है वो पैन इंडिया है तो अगर रिलीजन पैन इंडिया माइनॉरिटी डिसाइड होगी तो एक ही रिलीजन मेजोरिटी हो सकता है जो कि हिंदू धर्म होगा बाकी सारे के सारे जो रिलीजन होंगे वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव फैक्ट है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि माइनॉरिटी कौन होते हैं इसी जजमेंट के बेसिस पर यह बोला कि फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज बाइज एंड हिंदुइज कैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट्स वेयर दे आर माइनॉरिटी अभी इस समय जो प्रेजेंट डे स्टेटस है भारत का मेजॉरिटी रिलीजन है और बाकी सारे के सारे जो है वो माइनॉरिटी रिलीजन है अब आर्टिकल नंबर थर्टी जो है वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों को अधिकार देता है अपने अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का दैट राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेजोरिटी बट इट इज ए लीगल राइट माइनॉरिटी को यह फंडामेंटल राइट के तौर पर उपलब्ध है जो प्ली है वो यही चाहती है कि बेसिकली जिस स्टेट के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है उनको भी यही फंडामेंटल राइट दे दिया जाए हिंदूज आर हिंदूरिटी एट नेशनल लेवल लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनमें वो माइनॉरिटी में है जैसे कि मिजोरम नागालैंड मेघालय मणिपुर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पंजाब मणिपुर और लक्षद्वीप इन सारी स्टेट्स के अलावा बाकी सारी स्टेट्स के अंदर हिंदुइज्म है वो मेजोरिटी धर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डीलिंग विद माइनॉरिटी ट्वेंटी और थर्टी 350 ए और 350 बी लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंगशन याद रखो 29 और 30 में 29 जो आर्टिकल है जो ये दोनों आर्टिकल क्या है ये कल्चरल राइट uh, को प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज के लेकिन 29 के अंदर माइनॉरिटी वर्ड मेंशन नहीं है ये सबके सेक्शन इट्स सेक्शन ऑफ ए सिटीजन तो वो मेजॉरिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता, होता है, minority, है और माइनॉरिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है वेर इज आर्टिकल नंबर थर्टी स्पेसिफिकली सेज दी वर्ड माइनॉरिटी की जो माइनॉरिटीज हैं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस रिलीजियस उनके पास अप, अधिकार है एक फंडामेंटल राइट right है अपने इंस्टीट्यूशन

टेक्निकली अगर देखा जाए तो डेफिनेशन का कोई खास सवाल बनता भी नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट अ मेजर ऑब्जेक्टिव डिसीजन भाई अगर इंडिया में रिलीजन के बारे में बात करें तो 80% परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू तो वो मेजोरिटी हो गई बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी हो गए सेम विद लिंग्विस्टिक ऑल्सो किसी भी स्टेट की आप पूरी पॉपुलेशन काउंट करें और उसमें से जो सबसे ज्यादा लोग भाषा को बोलते हैं वो मेजॉरिटी मेजोरिटी लैंग्वेज हो जाएगी बाकी सारी की सारी माइनॉरिटी लैंग्वेज हो जाएंगी तो माइनॉरिटी से चार आर्टिकल याद रखने हैं ट्वेंटी नाइन और थर्टी थ्री फिफ्टी और थ्री फिफ्टी भी लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत होना आर्टिकल ट्वेंटी नाइन जब आप किताब में पढ़ोगे तो हमेशा लिखा होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बट दिस आर्टिकल डज नॉट टॉक अबाउट माइनॉरिटी एट ऑल ये मेजोरिटी को भी एप्लीकेबल है मेजोरिटी भी इस राइट का अधिकार उठा सकती है आर्टिकल थर्टी जो है वो स्पेसिफिकली उसके अंदर वर्ड मेंशन है माइनॉरिटीज वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को अवेलेबल है माइनॉरिटी कौन कौन सी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन तो नहीं किया आर्टिकल ट्वेंटी कहता है सेक्शन ऑफ सिटीजन सो so, माइनॉरिटी और मेजोरिटी को दोनों को एप्लीकेबल हो जाता है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर तो आर्टिकल 29 के अंदर भारत के जो भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है वो अपनी लैंग्वेज कल्चर और बेसिकली स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं आर्टिकल थर्टी एक्चुअली में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को स्पेसिफिकली मैंशन करता है और बोलता है कि इनके पास अधिकार है अपने इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाने का आर्टिकल 350 ए और 350 डी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से एसोसिएटेड है ओनली लिंग्विस्टिक याद रखिएगा ट्वेंटी प्लस माइनॉरिटी आर्टिकल थर्टी रिलीजियस प्लस प्लसिटी थ्री फिफ्टी ए और थ्री बी सोन फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई कौन करता है स्पेसिफिकली सेंटर एंड स्टेट लेकिन कौन कौन करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्टेट करती है ठीक है डज नॉट एग्जिस्ट एट द नेशनल लेवल तो इसीलिए इसको यूजुअली स्टेट के द्वारा किया जाता है और जो यूनियन टेरिटरी जो कि सेंटर के अंडर uh, है तो उनको सेंटर के द्वारा किया जा सकता है रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेट के लेवल स्टेट के नहीं सेंटर के लेवल पर होती है पैन इंडिया काउंट होती है एट नेशनल लेवल ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज एक्सेप्ट हिंदुइज्म आर ऑब्वियसली माइनॉरिटीज अब देखिए दो उन्नीस में पांच रिलीजियस कम्युनिटीज थी जिनको नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था मुस्लिम्स क्रिश्चियंस सिख बुद्धिस्ट और जोरेस्टेरियंस ठीक है ये बात याद रखिए अच्छा प्रिलिम्स का क्वेश्चन है जैनिज्म विच इज थिंक अबाउट इट कि 1993 में भी जैनिज्म की जो पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में ही थे तो फिर किस वजह से भूल गए थे फाइनली दे रेक्टिफाइड दैट इन टू थाउजेंड फोर्टीन और जैनिज्म को भी बेसिकली डिक्लेयर किया गया सो ऑफिशियली हिंदुइज इज द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ इंडिया एंड दीज सिक्स आर देशनल रिलीजियस माइनॉरिटी ऑब्वियसली देर आर समो रिलीजन जो भी हमारे देश में होंगे लेकिन उनका नंबर या तो काफी छोटा है या नेगलिजिबल है वो ऑफिशियली उनको नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है मुस्लिम्स क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट एंड जोरेस्टेरियन

हम जानते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर्स ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर्स मंग्स लेजिस्लेचर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट और वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे की गई है थ्रू द सेवेंथ शेड्यूल

यूनियन जो लिस्ट है उसके अंदर हंड्रेड सब्जेक्ट है सौ सब्जेक्ट दिए गए हैं ठीक है एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट दिए गए हैं एक्सक्लूसिव डोमेन है स्टेट्स का बावन सब्जेक्ट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं लेकिन अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो पार्लियामेंट का बेसिकली उन ऊपर माना जाएगा बेसिकली वही चलेगा अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टेट लिस्ट के अंदर थे सिक्सटी सब्जेक्ट और कंकरेंट में थे बेसिकली फोर्टी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा इसमें से पांच सब्जेक्ट उठा के इसके अंदर डाल दिए गए द क्वेश्चन द होमवर्क फॉर टूडे इज दैट कि कौन से पांच सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाले गए अच्छा अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स तो हम याद नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमें थोड़ा बहुत ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स तो हम याद नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें जो एन में जो लिस्ट दी हुई है यूनियन लिस्ट पे उसमें जो कुछ कुछ थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए कुछ ह्यूरिस्टिक से निकल जाएंगे ऐसे टॉपिक बैंकिंग डिफेंस टेलीग्राफ टेलीफोन ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि पैन इंडिया जरूरत होती है उन पर सेंटर लॉ बनाता है फिर एग्रीकल्चर लिकर इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आप खुद अंदाजा भी लगा सकते हैं यू नो सर्टेन स्टेट्स जहां पे बेसिकली लिकर को को बैन किया गया है सर्टेन स्टेट्स में अवेल अलाउड है अगर इस पर सेंट्रल लॉ बनाता तो ये पैन इंडिया सेम होता लेकिन क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है एग्रीकल्चर के जो लॉज है वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं और फिर कुछ कंकरेंट के भी बेसिकली आपको याद कर लेने चाहिए आर्टिकल हमारे यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट है एक तो ट्वेंटी फाइव सॉरी 24, जो 7 law, कि कि में बताता है एक्सटेंट ऑफ़ द लॉ क्या टेरिटरी है जब ये लॉ बनाएंगे आर्टिकल टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स पावर और स्टेट लेजिस्लेचर सेवन शेड्यूल के बारे में और इन तीनों लिस्ट के अलावा सपोज करो कि कोई टॉपिक तीनों लिस्ट में से किसी में नहीं लिखा गया वेल दैट इज आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड फोर्टी एट मतलब कि रेजिडरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन भाई पॉसिबिलिटी है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कोई एकाधर टॉपिक रह भी गया हो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था लेकिन बाद में इंटरनेट आ गया अभी आजकल साइबर लॉज आ गए तो ऐसे जो टॉपिक जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट में नहीं लिखे होते हैं उनको कहते हैं रेजिडरी पावर्स एंड दैट लाइज विद पार्लियामेंट वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है चलिए राइट टू बी फॉरगॉटन भूलने के लिए अधिकार एक लॉ बन रहा है जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसके अंदर प्रोविजन दिया गया है राइट टू बी फॉरगॉटन का इंडीड इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में बड़े सारे से पेटिशन डले हुए हैं जो कि चाहते हैं कि उनको अधिकार मिले टू बी फॉरगॉटन का सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट जो होता है वो होता है अटरनल जो चीज एक बार इंटरनेट पर चलेगी वो परमानेंटली उसके ऊपर रह गई नाउ दैट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग पीपल इन सेवरल मैनर्स दस साल पहले कोई काम किया था दस साल पहले कोई गलती हुई थी या कुछ आ, एम्बेरसिंग किसी कोई घटना हुई थी वो एक बार इंटरनेट पर चली जाती है तो परमानेंटली रहती है अब आपने कोई गलती की थी जब आप सत्रह साल के थे लेकिन अभी आप सैंतीस साल के हैं आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं द मोमेंट योर एम्प्लॉयर सर्च इज योर नेम ऑन दी गूगल वो पुराने वाली न्यूज आज भी आ जाती है सिचुएशन यू वुड वॉन्ट की जो न्यूज है जिसका अब कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है आई एम कंप्लीटली फ्री ऑफ दैट थिंग वो अब क्यों है लोगों के पास सो यू वुड वॉन्ट की वो बेसिकली हटा दी जाए इंटरनेट से दैट इज बेसिकली राइट टू फॉरगॉटन इट अलाउज अ पर्सन टू सीक डिलीशन ऑफ पब्लिकली अवेलेबल प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपने मर्डर किया हो और उसके बाद बेसिकली उस चीज को डिलीट कर दिया जाए जो पब्लिकली अवेलेबल प्राइवेट इंफॉर्मेशन नॉट पब्लिकली अवेलेबल पब्लिक इंफॉर्मेशन उसको डिलीट नहीं करने की बात की जा रही है अब ये राइट टू बी फॉरगॉटन का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली यूरोप में भी पिछले डेकेड में डिस्कस हुआ है ड्यू टू द राइज ऑफ द इंटरनेट इंस्टाग्राम ये सारी की सारी चीजें हमारी बड़ी सारी सी एम्बेसिंग पिक्चर्स हैं जो कि बेसिकली चली जाती है इस समय इंडिविजुअल्स अगर राइट टू बी फोरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट पास कर देता है तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे कि एक्सप्लेसिट फोटोज कुछ हो जाती हैं, एम्बेरसिंग फ़ोटोज़ कुछ होती हैं कुछ ऐसे केसेस जो कि बहुत छोटे थे ट्रंक एंड ड्राइविंग का केस था आपके ऊपर जब आप 26 साल के थे नाव यूर फोटी टू उस पर आप एकविट हो चुके हो वो अभी भी न्यूज़ दिखाता रहता है यू हैव नेवर ड्रंक इन लास्ट फिफ्टीन ईयर्स बट स्टिल इट अफेक्ट्स योर सोशल लाइफ ऐसे केसेज को हटाने की परमिशन मिल जाएगी अभी तक इसके ऊपर कोई लीगल बैकिंग नहीं है ठीक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है इसके बारे में बात करता है लेकिन इसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने दो पुट्टा स्वामी जजमेंट जजमेंट इट्स एन इंपॉर्टेंट इट वाज ऑलरेडी इन द और प्रिलिंस में भी इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आ चुका है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट right होता है ओके इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरप्रिटेशन ऑफ दर्टिकल ट्वेंटी वन की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है तो उसमें राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड होना चाहिए सो so प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है वो ये है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट है लेकिन कोई लीगल बैकिंग नहीं है अभी तक इसके ऊपर अधिकार नहीं है उसके लिए भी पार्लियामेंट को लॉ बनाने पड़ेंगे कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ राइट टू फॉरगॉटन भी बेसिकली फंडामेंटल राइट का ही पार्ट होगा राइट टू एन इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा एंड लाइफ ऑल्सो राइट टू कंट्रोल हिज एक्सरसाइज ऑन इंटरनेट सो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यह बात कह दी है कि राइट टू फॉरगॉटन इज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बाहर बेसिकली ये मुद्दा हुआ था गूगल वर्सेस स्पेन में एग्जैक्टली exactly जो मैं केस आपको बता रहा था एक इंडिविजुअल था यूरोपीय स्पेनिश नेशनल था और उसने की थी कुछ बीस साल पहले कोई हरकत है अब वो हरकत इंटरनेट पे थी वो जब भी कहीं पर जॉब देने जाता वही पुरानी हरकत उसको उसके एम्प्लॉयर्स को दिख जाती थी सो दैट पर्सन एक्चुअली फाइल्डन

राइट टू बी फ्रोगॉटन हैज़ बिन रेकोगनाइज एज ए स्टेटरी राइट इन यूरोपियन यूनियन आई थिंक दिस इज वट दी जनरल इशू ये बन के ही आएगा सामने अब ये उभरेगा ही uh, जैसे जैसे इंटरनेट हमारी लाइफ को डोमिनेट करता है एंड ऑलमोस्ट एवरी थिंग आप अभी कभी अगर इफ यू आर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी अगर आप अपने पंद्रह से अट्ठारह साल की फोटोज देखेंगे तो यू माइट एक्चुअली भी एम्बेरेस्ड एंड प्रोबेबली अब आप सोच रहे होंगे कि उनको किसी तरह इंटरनेट से हटा दिया जाए तो सही रहेगा

of the current affairs. This will be a panacea of the current affairs for you. Have a nice day till we meet tomorrow.